वो आर्यन के डैड की शादी है। वो तो शादीशुदा है ना? पहले से शादीशुदा है, बल्कि और एक आप है। बेटे रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ रह गए हो? अरे अम्मी अभी तक सिर्फ एक गाने पे डांस सीखा है, अभी तो 4-5 और बाकी हैं। आप एक काम करें, आप सो जाएं, मैं आराम से आऊंगा। अच्छा बेटा, हुरैन का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, मैं ख्याल रखूंगा उसका। कैसे फिक्र नहीं करूं, बेचारी के साथ हादसा जो इतना बड़ा हुआ है, बहुत कमजोर हो गई है। जैसा आप बेहतर समझे अम्मी। बेटे आप नहीं जानते, ये जो जिन भूत होते हैं ना, इंसान का मांस तो नहीं खाते लेकिन उसका खून जरूर चूस लेते हैं। अच्छा हम या मुझसे ऐसी बातें मत किया करें, बिला वजह एक अजीब सी डिप्रेशन सी होती है। अच्छा बेटा टाइम से अब घर आ जाना, मैं सोने जा रही हूँ। अपना भी ख्याल रखना और हुरैन का भी, ठीक है? ओके, शब खैर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ पे खड़े हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अम्मी की कॉल आ गई थी तो। ओए तुम दोनों यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे हो अजीब, अंदर टीना मीना ऊट पटांग डांस सिखा रही है, जल्दी फोरन अंदर आओ। अलीजे? हाँ? एक बात सुना, वो मुझे तुमसे, असल में मैं ना, तुम दोनों आ रहे हो कि मैं अपना डांस सिखा दूं सबको। अच्छा चलो 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 चल आ जा यार, चलो अभी वाले स्टेप पे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बोलता हूं किसी को पूरे किसी पाकिस्तानी गाने पर डांस करते पूरा। हां पर कौन सा? कि दिल हुआ बूटा। नहीं नहीं नहीं, मेरी साइंस कहती है कि हम लोग ना बोला आज अपनी साइंस को दिल हुआ बोकाटा। हुरैन तुम्हारी साइंस जो भी कहती है तुम वही गाओ, इसे छोड़ो। मैंने भी बहुत सारे गाने सोचे हैं अपने पास। वो सारे गाने पुराने, मैंने नहीं करना उन पर। नहीं मेरा मतलब ये है कि हम खालिद अंकल की जो ये वाली शादी है ये पुराने अंदाज में करते हैं, क्या कहता है? नॉट बैड, गुड आइडिया। हम सारे पुराने गानों पे डांस करेंगे और उस पे भी वो कौन सा था, वीर मेरा, क्या था, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। सब रुक जाओ यार, थोड़ा हंस भी लो, फिल्मों में तो लड़कियां हंसती भी थी ना। लड़कियों की तरह बोला था, बड़ी महफिल लगाई हुई है। यार मेरी साइंस कहती है कि अब तुम लोगों ने चाय पी रही हो तो हम लोग डांस प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा डांस खराब हो। हाँ भाई, टीना मीना ही चली गई, वो भी शानी मानी के साथ, अब मजा थोड़ी ना आएगा। मैं तो वैसे भी कह रहा था कि क्या हुआ, जिसे विल यू मैरी मी? देखो जल्दी से जवाब दे दो वरना मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा।
यार यहाँ मेरे अब्बा की शादी चल रही है और तुम लोग अपना डम्बूरा लगा के बैठ गए। चलो डांस प्रैक्टिस करो, निकलो फिर मेरे घर से। चुप करो तुम, मास्टर्स का लीडर मैं हूँ। अच्छा बताओ कैसी लगी? कितना कुछ किया तुमने हुरैन के लिए, उसके ऊपर से शांति का जिन उतरवाया, उसका इतना ख्याल रखते हो, और मोहब्बत भी। मोहब्बत और मैं? बिल्कुल नहीं सारिम, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? लेकिन वो मेरी दोस्त है। पहले दोस्ती होती है फिर मोहब्बत होती है, और उसके बाद लोग इसी तरह कंफ्यूज रहते हैं। आपको गलत फहमी हो रही है, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। एडा तू मोतबर, फिर हुरैन को क्यों रोका था? आर्यन के घर पे शादी थी, ऐसे में अगर एक भी बदमतगी हो जाती ना तो सबकी खुशी बर्बाद हो जानी। तो रोहान को पता चलना चाहिए ना कि हुरैन उससे मोहब्बत करती है। रोहान भी मोहब्बत करता है लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं है बस। हाँ तू अल्लामा इकबाल है ना, तुझे सब पता है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मामा बता देते, मुझे तुम्हारे और अपने बारे में सब चीजों का पता, तो फिर बहस किस चीज की? तुम इतनी सफाइयां इसलिए दे रहे हो कि तुमने खुद अभी तक अपने आप से इजहार नहीं किया, तो उससे इकरार कैसे करोगे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तो बचपन से तुम्हारी हूं, और फिर भी तुमने लीजे को प्रपोज ही कर दिया, वो भी सबके सामने। ऐसा कैसे कर सकते थे तुम रोहान? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं तुम इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दो। मैं तो समझती थी कि तुम हुरैन से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुमने आज मेरे सारे ख्वाहिशात दूर कर दी। बहुत हिम्मत की है मैंने ये कहने में, मुझे लगता था कि तुम इनकार कर दोगी। मैं बहुत खुश हूं, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, लेकिन तुमने मेरा ये सारा खौफ दूर कर दिया। नुसरत, अनीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। अनीस भाई, क्यों शोर मचा रहे? अबे यार सारे, कल से अनीस भाई को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं किधर गायब हुए, नजर ही नहीं आ रहे यार। और आज भी दुकान खोल के पता नहीं किधर खड़े हुए हैं। वो स्टाफ रूम में शर्फू भाई आज छुट्टी पे हैं। ओ, मैं तो यही तुम्हें कहूँ। तभी ओए, हाय, हेलो, कैसी हो? अच्छा हुरैन सुनो, आज रात को तो आ रही हो ना, तुमने मेहंदी लगानी है सारी लड़कियों को, मैंने सबको बता दिया कजिन्स को अपनी। मेरी साइंस कहती है। हाँ, हम दोनों आ रहे हैं। सही है, तू टेंशन नहीं ले, तू अपना काम काज कर। वो तुझे पता है हुरैन वैसे भी ज्यादा मेकअप नहीं करती, तो टाइम भी नहीं लगेगा, तो हम लोग वहीं आके तैयार हो जाएंगे।
वैसे इतनी प्यारी है चल ओए मुझे बहुत सारे काम करने घर पे, मैं उन सबसे पहले बोलता हूँ। अनीस भाई कितने स्टाफ रूम? ओके ओके सर। अनीस भाई स्टाफ रूम, सॉरी याद आ गया। अल्लाह हाफिज। तुम पागल हो क्या? बात करने लगी थी उससे? क्या बात करने लगी थी तुम उससे? मेरी बात सुनो, ये जो तुम जिस तरह से रिएक्ट कर रही हो ना, रोहान को कुछ ना कुछ जरूर फील होगा। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है ना तो उसको एहसास हो जाएगा, तो प्लीज उसके एहसास होने का इंतजार करो। अब तक तो एहसास हुआ नहीं, अब क्या होगा? मुझे लगता है कि फिर वो तुम्हें दोस्त समझ जाएगा, है ना? सालिम, मैं अलीजे को इसलिए अपने ग्रुप में लाने के खिलाफ, और तुम्हें तो सब मालूम था ना, तो आखिर क्यों तुम रोहान को लेकर अलीजे के घर चले गए? मेरी बात सुनो, मुझे इस बात का नहीं पता था कि तुम गैफ का इल्म भी जानती हो। और यार इधर तो देखो ना, देखो तुम बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग हो। तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई ना कोई साइंसदान जरूर मिल जाएगा, सही में पक्का यार, सही। सोबतों का है नशा, हम रहे यूं ही सदा, रास्तों पे बैठा मन चला, मन के चंद एक सिक्कों से बातों को खरीद ले, मंजिलों की जानिब ये चला। हाँ बेखुदी के गीत में लफ्ज तेरे सुर मेरे, गाले गुनगुना ले कोई धुन मन की सुन, आंखों की ये गुफ्तगु आ मेरे तुरू बरू, एक नई कहानी कोई बुन मन की सुन, मन की सुन, रा 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 मन की सुन, हाँ मन की सुन, मन की सुन। आप आर्यन के बुस से मिले? हाँ। अम्मी आपको याद है मैंने आपको अपनी दोस्त के बारे में बताया था? हाँ बेटा। वो वहाँ पे बैठी है, उनसे चल के मिले। हाँ चलो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? लुकिंग क्वाइट डैशिंग टुडे। बहुत अच्छे लग रहे हो, ये शलवार कमीज तो मैं सूट कर रहा हूँ। थैंक यू। आप मेरी अम्मी से मिले हैं? आई थिंक वो रही किसी दोस्त के साथ। भाई तुम लोगों ने तो फील ही नहीं होने दिया कि आर्यन के वालिद की शादी, ऐसा लग रहा है जैसे आर्यन की शादी हो रही है। आप देखिएगा, आर्यन की शादी पे तो हम एक महीने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली अंकल सीन कुछ ऐसा है कि हमारे अंकल की शादियां होती रहती हैं, तो अब हम भी आदि हो गए। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं अभी आया। नमस्कार। बिल्कुल वैसी की वैसी है। नहीं, अब मैं रोहान की माँ और जिशान की बेवा। तुम रोहान की माँ हो? मैं अलीजे का डैडी। अच्छा, अलीजे बहुत अच्छी बच्ची है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आपको पहले सोचना चाहिए?
अगर आपने ये बात पहले सोची होती तो आज शर्मिंदा नहीं होता। मानी की इज्जत के आगे मैं मजबूर था। मर्द और मजबूर, क्या खूब कही आपने। आपसे तो कई गुना अच्छा जिशान निकला, जो बीमार था मजबूर था, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरा साथ दिया। हमारी मोहब्बत पाक थी तुमने को, इसीलिए तुम्हें जिशान जैसा जीवन साथी मिला। मोहब्बत क्या होती है ये मुझे जिशान ने सिखाई। तो जब तक जिंदा थे हम एक दूसरे के लिए जीते रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे। मुझे पता चला कि उसे शादी का पैगाम तुमने खुद दिया था। जब आपने मुझसे बेवफाई की तो मैं टूट गई थी, बिल्कुल बिखर गई थी। मुझे जिशान से बढ़कर और कोई नजर नहीं आया। मुझे सहारा उस वक्त जिशान ने दिया। मम्मी का फैसला गलत था, ये तो मुझे शादी के चंद दिन बाद ही पता चल गया था। लेकिन जब वो दो माँ की अलीजा मेरी गोद में रोती छोड़ गए, तब मम्मी को भी इस बात का यकीन आया कि उनका फैसला गलत था। रोहान एक साल का था जब जिशान हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैंने बाप और माँ दोनों बनकर पाला है रोहान। जिशान का कोट अलमारी में अभी तक टंगा है। मैं उसमें पैसे रख देती हूँ, जब रोहान को जरूरत पड़ती है तो बाप की जेब से पैसे ले लेते हैं।